During that job, two days, right? अब एसडीआरएफ का हेड तो इस वक्त कश्मीर वैली का मैं हूं, तो मैंने विजिट किया, तो लेट्स होप कि ये जो है ये रिट्रीव हो जाए, ये नाश ज्यादा टाइम ना ले। हमारी कोशिश रहेगी इन कोऑर्डिनेशन विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कभी का उनके अपने एफर्ट्स क्या होंगे, और लोकल जो मैंने सुना लोकल का तो है ही, एक उनके पास लोकल एक्सपर्टाइज है और मालूम भी है कि कहाँ कहाँ प्रीवियस एक्सपीरियंस से वो हमें उनकी सलाह की जरूरत है। लेकिन यहाँ का जो है मैं देख रहा था, चूंकि मैंने खुद भी पर्सनली हर एक जगह पर गया, जो फ्लो है काफी तेज है। दूसरा सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी है कि ये वर्लपूल जैसा पानी वापस जा रहा है, और डेप्थ भी रिपोर्टेडली मैंने सुना काफी बहुत डेप्थ है इसकी। इनफैक्ट मैं नीचे वाला जो ब्रिज है, अश्पीर वाला ब्रिज थी, तो वहां तक हम गए और हमने स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए और हमने इनको ताकीद किया यहाँ के जो मेरे जवान है कि आप हर एक जगह जहां भी आपको पॉसिबिलिटी मिलती है, जहां भी आपको इनपुट मिलता है, उस जगह पर जितनी पॉसिबिलिटी है आप उस पर अपने एफर्ट्स भरपूर एफर्ट्स का यूज करें। तो होना चाहिए यहाँ, बिल्कुल एक कंपोनेंट होना चाहिए यहाँ, बिकॉज ऑलरेडी ये फ्लड हाई लेवल पर है। यहाँ का जो फ्लड है मैक्सिमम एरिया से ऊपर के ऑलरेडी है, तो और ये यहाँ ही नहीं, मेरा पहला भी ये था प्रपोजल था कि एक यूनिट होना चाहिए हमारे उलर में भी। तो मैं बिल्कुल आपके साथ इसमें इन अग्रीमेंट हूँ कि यहाँ एक फुल फ्लेज्ड एसडीआरएफ यूनिट होना चाहिए। बाकी जो आपको सरदस्त हमें कुछ चाहिए, जो चाहे स्टिक्स किसकी है कोई इंडिजिनस लेवल पर है, चाहे हुक्स चाहिए तो जितने या रोप्स है, तो जितना हमारे पास है हमने वो लाया और हम कुछ करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो हमारे यहाँ के ऑफिसर हैं, अब मैंने उनको ये एडवाइस किया है, इंस्ट्रक्शन किया है कि वो विदाउट वेट लोकली परचेज करें और यूज में लाएं।